हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ा चेंज जो कि 2021 से लागू होने वाला है, जिसके हिसाब से पीएचडी अब कंपलसरी हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे ऊपर की जो प्रोफेसर की जॉब्स होती हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या अब नेट का कोई यूज़ नहीं है, क्या नेट अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रह गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा नहीं है, नेट बिल्कुल ही यूज़लेस नहीं हो गया है। देखिए, बहुत सारी रैंक्स होती हैं, उस रैंक में जो कॉलेज टीचर होता है, जो कि सबसे छोटी रैंक पे होता है, उसके लिए नेट अभी भी ज़रूरी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कि सर ये क्या बता रहे हैं, और नेट का तो यूज़ होता है राइट कॉलेज टीचर्स के लिए, हो सकता है नोटिफिकेशन में आया है। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन में आया है, लेकिन कल के वीडियो में मैंने इस बारे में बात नहीं की। उसका रीज़न मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि कॉलेज टीचर जो रैंक है वो सबसे छोटी रैंक होती है, और अगर आपको क्विक एंड फास्ट कोई जॉब चाहिए तो ठीक है, आप नेट करिए, उसके लिए अप्लाई करिए फिर भी। लेकिन पीएचडी होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका प्रमोशन वहीं रुक जाएगा। तो ये क्या चीज़ें हैं, इस बारे में हम और डिटेल में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और ये वीडियो आई होप कि आपके लिए कल की वीडियो की तरह ही बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। ओके गाइस, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम बात करते हैं कि भाई ये कौन सी रैंक्स होती हैं कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की, और कहां कहां क्या क्या एलिजिबिलिटी होती थी और अब होगी। तो देखिए, सबसे पहले कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन वाले होते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होते हैं, और फिर पीएचडी वाले होते हैं। तो ये रैंक है स्टूडेंट्स की। इस तरीके से जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कॉलेज टीचर्स होते हैं, जो भाई ग्रेजुएशन का मामला संभालते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रमोशन होती है तो एसोसिएट प्रोफेसर्स बनते हैं, और एसोसिएट्स की प्रमोशन होती है तो वो प्रोफेसर्स बनते हैं फाइनली। तो प्रोफेसर बनना अपने आप में एक बहुत ही आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और बहुत टाइम व एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप जाके प्रोफेसर की पोस्ट के लिए प्रमोट होते हैं। तो ये जो कॉलेज टीचर्स हैं इनके लिए अभी भी नेट ज़रूरी है, लेकिन मैंने कल इसकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि अगर आप देखिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, JRF कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा PhD करें, थोड़ा सा और मेहनत करें, और एटलीस्ट इस लायक हो जाएं कि भाई आपका प्रमोशन बाद में हो पाए, प्रमोशन रुके ना। तो अगर आप नेट करते हैं और किसी तरह कॉलेज टीचर बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन ब्लॉक है वहाँ पे। और गाइस, मैं आपको बताऊँ कि जो कॉलेज टीचर होता है या जो सबसे छोटी रैंक पे जो टीचर होता है, सबको गाइस प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के साथ आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ता है, राइट। तो मेरा जो फोकस है, मैं अगर आपको ये राय देना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पास टाइम है, आप अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करें और बहुत जल्दी जॉब की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला कि भाई हमारी एज बहुत ज़्यादा है और हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई हम नेट करें और किसी तरीके से हम जॉब को हासिल करें। तो उनके लिए मैं मान सकता हूँ कि आप भाई नेट आप करें, और आपके लिए कॉलेज टीचर का तो ओपन है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले क्या था कि पहले आप सपोज कॉलेज टीचर बने और आपने केवल नेट ही किया है, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद अगर वैकेंसी होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो वो चीज़ आपके लिए ब्लॉक हो चुकी है। अब जब तक आपका PhD नहीं है, 2021 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी PhD बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी है गाइस कि अगर कॉलेज टीचर्स, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो उसमें जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं, उनके लिए कॉलेज टीचर्स की रिक्रूटमेंट अच्छी आती है, अच्छी वैकेंसीज आती हैं। तो आपका केवल नेट है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो उसका टाइम का यूटिलाइजेशन करें, PhD करें, थोड़ा बहुत आपको अर्निंग भी नेट या JRF की स्कॉलरशिप से हो जाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि एक बार अगर आप जॉब में चले गए, एक बार आप कॉलेज टीचर बन गए, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, आपको पैसा मिलने लगेगा। और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, राइट, और फिर ग्रोथ के भी चांसेस नहीं है। देखिए, वर्कलोड सही है, अगर हमें वर्कलोड हमें बहुत काम मिल रहा है, हम करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है, एक्सपेक्टेशन है, सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलती है, प्लस आपका प्रमोशन ब्लॉक हो गया है। तो अगर आपकी मजबूरी है, लास्ट मेरा सजेशन यही है, अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास टाइम नहीं है या कोई और रीजंस हैं, तो बिल्कुल आप नेट करें और उसके बाद कॉलेज टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आपके पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इन फ्यूचर, आपका प्रमोशन अच्छे से हो सकता है, तो उसके लिए PhD मस्ट है। पहले भी था, हालांकि पहले ये कोई रूल नहीं था PhD के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तक कोई रूल नहीं था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर को भी अब PhD के अंदर डाल दिया गया है, PhD होना ज़रूरी है। लेकिन
अगर आपको पहले भी और अब भी अगर अच्छी प्रोफाइल चाहिए, अच्छा प्रमोशन चाहिए, अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए पीएचडी तो होना ही होना था। तो कोई मेरे हिसाब से कोई खास चेंज नहीं है, राइट। मैं पहले भी यही कहता था कि पीएचडी करना ज़रूरी है, अब भी पीएचडी करना ज़रूरी है। टाइम नहीं है कॉलेज टीचर बन जाएँ, लेकिन हाँ टाइम है तो अपना प्रमोशन और ग्रोथ को वहाँ ब्लॉक ना करें। क्योंकि अगर आप एक बार कॉलेज टीचर बन गए, एक बार अगर आपको सैलरी मिलने लगी, एक बार अगर आप काम में फंस गए, तो उसके बाद उसको छोड़ के फिर रिसर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि यू नो क्या रैंकिंग्स हैं प्रोफेसर्स की लाइन की और किस हिसाब से आपको सही डिसीजन लेना है। या तो नेट करके कॉलेज टीचर बन जाना है, या तो नेट करके पीएचडी करके कॉलेज टीचर भी भले बनना है, लेकिन हाँ आपकी प्रमोशन बाद में ब्लॉक नहीं होगी अगर आपके पास पीएचडी है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग यूजीसी नेट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज़ बगल में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर watching Heaven Peace Day.